कटरा प्रखंड के बेराई उत्तरी के कई गांव में बाढ़ का पानी आने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया है। सड़क संपर्क बाधित हो गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परेशान लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कटरा अंचल के अधिकारी से इस मामले में पहल करने की गुहार लगाई है। मदद का अनुरोध लगातार किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवारों का बताना है कि उन्हें अब तक राहत मुहैया नहीं कराया गया है। मैं सीओ साहब से यही कहना चाहूँगा कि अभी अभी बाढ़ का पानी से हमारे कम से कम 2 किलोमीटर में बांध उपट करके बाढ़ के पानी से 5000 के जनसंख्या वाला घर में पानी घुस रहा है। सीओ साहब से भी जाकर के कहे साहब कि हमारे गांव ग्राम बरहद में बाढ़ का पानी बहुत तबाही मचाया हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो सीओ साहब सुनने के लिए कोई इनकार कर रहा है, कहता है कि ये वर्षा के पानी है। मैं सीओ साहब को मैं ये कहना चाहूँगा तो अपना आ करके स्वयं इनको देखे कि बाढ़ का पानी है कि वर्षा का पानी है, और आकर के देखे उनको जो लाभ होता है जो गरीब तक पहुंचा दे, और तत्काल इस मरम्मत रोड के लिए तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो आज रात में पूरा बरहद घर घर में पानी ढुक जाएगा। और नहीं अगर सुने सीओ साहब तो हम लोग सीओ साहब के धरना देंगे कटरा ब्लॉक पर, पूरा बरहद के जनता जाकर के रोक जाएंगे। बाढ़ से समस्या है जो हमारे गांव में ब्रह्म स्थान से दुर्गा स्थान तक ले बाढ़ के पानी से बांध जो है उलट गया है, टूटने के कगार पर आया हुआ है। अगर वह अगर नहीं बांधा गया कम से कम 1000 घर में आज रात में पानी प्रवेश कर जाएगा, और 5000 हेक्टर जमीन में जो फसल है एक भी नहीं बच पाएगा। पूर्व से ही मेरे यहाँ बाढ़ काफ़ी आया हुआ है, इसलिए हम सीओ साहब से भी मांग करते हैं कि अपने स्तर से जांच करवा दें। जो कर्मचारी के भेजे हैं कर्मचारी स्पॉट पर आए नहीं हैं, स्पॉट पर भेजे किसी को वस्तु स्थिति दिखा करके और देख करके जांच करके जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ के लाभुक को लाभ मिलना चाहिए। कुछ दिन पूर्व कल हम सीओ साहब से बात किए थे तो कहे बरहद में बाढ़ का पानी नहीं है। अगर बाढ़ का पानी नहीं है तो यह आया कहाँ से जो आज 200 फीट बांध टूटने के कगार पर लगा हुआ है। यहाँ आज भी जो बागमती का पानी जिस गांव में है उस गांव में आता है निकल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ 3 महीना से पानी रुका हुआ है और 500 घर में पानी है। इसलिए हम सीओ साहब से प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी व्यक्ति को 6000 रुपया का लाभ मिले। लाल बाबू बैठा, ग्राम पंचायत बेरई उत्तरी, कटरा प्रखंड के मुखिया हूँ। देखिए, कटरा प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ अफसरशाही का राज चल रहा है। 2-3 दिन पहले हम लोग अंचल अधिकारी कटरा से मुलाकात किए थे और हम लोगों ने कहा था उनसे कि पूरे कटरा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, यहाँ जान माल का लाखों का क्षति हुआ, लेकिन अंचल अधिकारी मानने से इनकार है। वो कह रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया है। कल अनुसर्वण की बैठक है, हम लोगों ने तमाम जो राजद के साथी हैं प्रखंड अध्यक्ष और हमारे गायघाट के स्थानीय विधायक उनसे हमने आग्रह किया है कि आप जो अनुसर्वण समिति की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को उठाने का काम करिएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक बाढ़ राहत का जो राशि होता है या फसल क्षति का जो मुआवजा होता है वो देने का आग्रह हम लोग सरकार से करेंगे। क्योंकि राजद की सरकार नहीं है, हम लोग पूरे बिहार में जहाँ आम जनता के साथ हमारा पूरा राजद का टीम खड़ा है। आज यहाँ जो बढ़त में बाढ़ का पानी जो लोगों के घरों में घुस रहा है उसका निरीक्षण करने हम लोग आए थे और यहाँ हम लोगों ने तमाम लोगों का हालचाल जाना है। और हम लोग आग्रह करते हैं अंचल अधिकारी से और प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करवा करके और उन लोगों को राशि और जो राहत होती है सरकार की ओर से मुहैया कराने का कृपा करें। मोहम्मद फैसल, अध्यक्ष छात्र राजद, कटरा मुजफ्फरपुर।